मॉर्निंग एंड ओम शांति। तो आप सब ने परसों से कई सारी चीज़ें सुनी होंगी और पहले भी कई सारे टॉपिक्स सुने होंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट। तो स्लीप मैनेजमेंट भी टॉपिक सुना आपने, किसी ने सुना है स्लीप मैनेजमेंट? तो यहाँ तो आपको बहुत आवश्यकता होगी क्योंकि सवेरे 4 बजे हम उठा देते हैं आप लोगों को। सब उठ जाते हो 4 बजे? ओके। तो आज का ये जो टॉपिक है स्लीप मैनेजमेंट एंड मेंटल एम्पावरमेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका कारण ये है कि हम सब सोते हैं, हर रोज़ सोते हैं। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 1/3 पार्ट हम नींद में बिताते हैं। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम इतना समय देते हैं, तो कम से कम हमको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, एक व्यक्ति को दिन में कितना सोना चाहिए, व्हाट इज़ द आइडियल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप? 6 to 8 hours, 5 hours, बहन जी क्या 4 hours? वो प्राइज नहीं मिलेगा कम बोलोगे तो आप। सही जो आपको लगता है सही वो बताओ। 8 hours, 6 घंटे, ओके। 6 to 8 hours शायद मेजॉरिटी 6 to 8 hours बोल रहे हैं। और आप में से जनरली सो पाते हैं 6 to 8 hours? कितना सो पाते हो? एक बहन जी बोल रही थी कि 4 घंटा। मैडम आप कितना सो पाते हो? 4 घंटा ही सोते हो? चलो तालियां बजाओ भाई, 4 घंटा तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जनरली कितना सो पाते हो? 5 hours, 6 hours? 6 hours, ओके। आगे चलकर हम देखेंगे कि जितने भी आपने आंसर बोले, 6 hours बोला या किसी ने 7 hours बोला या किसी ने 5 hours बोला, सारे आंसर्स गलत है। कोई भी 6 hours नहीं सोता और कोई भी 5 hours नहीं सोता। कैसे नहीं सोता वो हम आगे देखेंगे। तो हम लोग जब ये प्रोग्राम्स करते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि सारी देश की जो पुलिस सर्विसेज है, सेंट्रल और स्टेट पुलिस, इसकी ट्रेनिंग की जिम्मेवारी एक ऑर्गेनाइजेशन को है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRND। और इस प्रोग्राम में नहीं है, दूसरे प्रोग्राम में एक मैडम आई है, वो लास्ट BPRND के जो DG थे उनकी वाइफ है, वो भी इस प्रोग्राम में आई हुई है। और जानते हो ये ऑर्गेनाइजेशन को, BPRND को? थोड़े लोग ने सुना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बाकी किरण बेदी को सबने जानते हो, किरण बेदी को? तो किरण बेदी को लास्ट में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनना था, लेकिन गवर्नमेंट ने पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया, उसे BPRND का DG बनाया। तो थोड़ा सा वो नाराज़ थी, तो उसने 1 साल प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके चली गई। तो BPRND वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कार्य पूरी देश की पुलिस सर्विसेज की ट्रेनिंग से संबंधित है। तो इन्होंने एक सर्वे किया था, स्टडी किया था, और पता लगाया कि फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में विशेष स्टडी हुई, उसमें भी BSF में स्टडी की, कि जो सब स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस के बहुत सारे कारण निकाले, और आप लोग को आश्चर्य होगा कि जो नंबर 1 कारण था स्ट्रेस का, 77% लोगों ने कहा कि हमको स्ट्रेस होता है क्योंकि हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती, बिकॉज वी डोंट गेट सफिशियंट स्लीप। 77% लोगों ने कहा स्लीप इज द नंबर 1 कॉज फॉर स्ट्रेस। तो नेचुरली पर्याप्त स्लीप मिलने के लिए, सफिशियंट स्लीप मिलने के लिए, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि वॉट इज आइडियल स्लीप, सफिशियंट स्लीप कितना है। तो किसी ने कुछ आंसर दिया कुछ। अब होता क्या है कि मेजॉरिटी हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमको कम स्लीप मिले तो हमको तकलीफ है, और सब कोशिश करते हैं कि स्लीप सफिशिएंट मिले, लेकिन सफिशिएंट स्लीप का हमको पता नहीं कितने घंटे होने चाहिए। और स्लीप थ्योरी के हिसाब से जो डेंजर ये है कि आप ज़्यादा भी सोएंगे तो भी तकलीफ है, कम सोएंगे तो तकलीफ है ही, ज़्यादा सोएंगे तो भी, तो हमें कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमम स्लीप मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि स्लीप कहीं ना कहीं हमको रिचार्ज कर रहा है। आप लोग को भी बताते ना, जब आप समझो मोबाइल चार्ज कर रहे हो, जब फुल चार्ज हो गया उसके बाद उसको उसके अंदर प्लग इन रखना चाहिए,
नहीं रखना चाहिए ना, ओवर चार्ज होने की समस्या। तो स्लीप की भी ऐसी स्थिति है कि उसके भी एक ऑप्टिमम स्लीप है, उससे कम सोएंगे तो भी तकलीफ है और उससे ज़्यादा सोएंगे तो भी तकलीफ है। तो जो इतना जब हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं और विशेष फोर्सेस में स्ट्रेस के ऊपर सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, स्ट्रेस बहुत है, तो स्ट्रेस को मिटाने का गॉड गिफ्टेड तरीका क्या है? स्लीप। हर एक व्यक्ति पूरे दिन में काम करता है तो रात तक थक जाता है, फिजिकली भी और मेंटली, और उसके पास एक ही कुदरत ने इलाज दिया है, जब आप रात को सोते हो और अगले दिन जब आप अगर ठीक से सोए तो अगले दिन आप फ्रेश होके, रिचार्ज होके, वापस तरोताजा होके उठते हो। तो जो नॉर्मल, जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड हमें स्ट्रेस बस्टर है वो है स्लीप। इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है, हमको स्लीप के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये जो स्लीप मैनेजमेंट का आपका ये जो लेक्चर रखा है, सबसे पहले तो स्लीप के बारे में हमें जानना चाहिए, नो इट। दूसरा उसका इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। कई बार हम आजकल उसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं समझते, इसलिए बहुत लोग देखेंगे आप रात रात तक उठे हुए हैं, चलो बाद में सो जाएंगे, कभी सो जाएंगे, क्योंकि हमको उसका इम्पोर्टेंस नहीं मालूम। स्लीप का हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है, बट ऐसा नहीं है कि एक दिन आप नहीं सोए तो कोई अगले दिन आप पूरा ही वो हो जाएगा, बट हर दिन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, अगर कोई भी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही तो वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट बढ़ता रहता है, और एक जगह ऐसा आएगा ब्रेकिंग पॉइंट, फिर अचानक पता चला कि 30 साल में हार्ट अटैक हो गया। कभी तो होता नहीं था लेकिन कैसे हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कोई ब्रेकिंग पॉइंट होएगा जहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्युमुलेट होके हेल्थ इश्यू बन रहा। करेक्ट सोना कैसे है, जिसके कारण बी मेंटली एंड फिजिकली हेल्थी एंड एंजॉय लाइफ। जब भी कोई बीमारी होती है तो हम उसकी कोई ना कोई दवाई करते हैं। अगर वो बीमारी की इंटेंसिटी बढ़ी तो हम क्या करेंगे? जैसे किसी को नहीं होता कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज थे, तो हम बीमारी का जो इलाज है, जो दवाई है, जो डोज है, उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे ना। तो जब बीमारी बढ़ रही है तो हम उसकी दवाई भी बढ़ाएंगे। तो अगर स्लीप हमको जो स्ट्रेस से मुक्त कर रहा है, तो अगर लाइफ में आज के डेट में हम सब जगह सब क्षेत्र में देखते हैं कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, और स्ट्रेस का नेचुरल इलाज क्या है? स्लीप। तो स्ट्रेस अगर जीवन में बढ़ रहा है तो स्लीप के जो बेनिफिट्स है, क्योंकि स्लीप के कुछ बेनिफिट होते हैं ना, वो बेनिफिट भी बढ़ने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज क्या हो रहा है, स्लीप की क्वालिटी खराब होती जा रही है, तो स्लीप के बेनिफिट्स भी कम होते जा रहे हैं। ये जो गैप है, एक तरफ जीवन में तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उसका जो इलाज है यानी स्लीप से जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो स्लीप की क्वालिटी डाउन हो रही है, तो ये जो गैप जो बढ़ता जा रहा है ये अधिकतर बीमारियों का आज कारण बन रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम लोग तो ये बहुत सिंपल हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, हमारे परिवार में भी पेरेंट्स भी कभी उनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन हमें प्रॉब्लम हो रही है या हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। टाइम के साथ ये हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो गैप है ये इस साइड अप जा रहा है और ये इस साइड डाउन जा रहा है, और ये गैप रिजल्ट कर रहा है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में। तो अच्छी हेल्थ के लिए तीन मुख्य पिलर्स है, जिसमें से दो के ऊपर हम ध्यान देते हैं। पहला क्या है? फिजिकल फिटनेस, है ना, विशेष फोर्सेस में फिजिकल फिटनेस पर वैसे ही काफ़ी ध्यान दिया जाता है। दूसरा है अच्छा खाना खाना, वो भी हम कोशिश करते हैं कि भाई जितना हो सके अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशियस फूड हो। लेकिन तीसरा जो पिलर है वो है हेल्दी स्लीप। ये एक क्षेत्र है जिसमें हम इतना ध्यान देते नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कहा पहला क्वेश्चन का ही हमको अब तक क्लियर आइडिया नहीं है कि सोना भी कितना चाहिए। पहले क्वांटिटी नहीं मालूम, फिर क्वालिटी की बात अलग है, तो जब हेल्दी स्लीप के बारे में नहीं मालूम तो उसको जीवन में कैसे अपनाएं। लेकिन अच्छे हेल्थ के लिए तीनों पिलर्स आवश्यक है। मैं आपके साथ एक दो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो आप सबको होता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सो रहे होते हैं अचानक रात को आंख खुली, 2 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे, अचानक आंख खुली और आप फील करोगे कि एकदम फ्रेश है,
एकदम फ्रेश फील करते हैं, फिर आप देखते हो घड़ी में देखते अरे अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं, क्या करें, तो वापस सो जाते हो। ऐसा होता कभी ना, अचानक रात में आँख खुली और एकदम फिट लग रहा है, एकदम तरोताजा जैसे फ्रेश होके हो, बट फिर देखते कि टाइम अभी क्या है, अच्छा टाइम तो अभी बहुत है, अभी क्या करें, तो हम वापस सो जाते। एक दूसरा एक्सपीरियंस है, कभी कभी रोज काम करते हैं, किसी दिन छुट्टी है, छुट्टी है तो क्या करें, तो आज एक्स्ट्रा सो जाते हैं। बच्चों को देखा है ना, जिस दिन छुट्टी हो गई तो मम्मी पापा कितना भी उठाएंगे क्या बोलेंगे, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी हमको सोना है, अभी आज स्कूल नहीं है। तो इन दिनों में आप या बच्चे जब ज़्यादा सोते हैं, तो जब ज़्यादा सो के उठते हैं तो क्या वो ज़्यादा फ्रेश होते हैं या ज़्यादा थके हुए होते, सुस्ती होते? बच्चों को संडे के दिन जब वो ज़्यादा सोते हैं उसके बाद जब उठते हैं तो ज़्यादा फ्रेश होते हैं या ज़्यादा सुस्ती होते? अब उस दिन वो ज़्यादा सोए हैं, सो अगर हम लोग अपने आप को फ्रेश करने के लिए हैं, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए हैं, तो ज़्यादा सोने से ज़्यादा फ्रेश होना चाहिए ना, लेकिन इफ़ेक्ट क्या होता, उल्टा होता। तो इसका एक ऐसे लीनियर कनेक्शन नहीं है कि ज़्यादा सोना यानी ज़्यादा फ्रेश होना या ज़्यादा तरोताज़ा होना या ज़्यादा रिफ्रेश होना, ऐसा नहीं। तो ये दो अनुभव हम सबको होते हैं, क्यों होते हैं वो हम आगे समझेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि नींद क्या होती है, क्या बोलेंगे, व्हाट इज स्लीप? सिंपल सी चीज़ें रोज सोते हैं, कोई पूछेगा अच्छा नींद क्या होती है, क्या बोलोगे? जैसे नींद के समय आपको बाहर का कुछ पता नहीं होता, अगर कोई व्यक्ति सोया है तो उसको ये भी नहीं पता बाहर कोई आया गया। ऐसे ही अगर कोई पेशेंट है और उसको ऑपरेशन के लिए ले जाना है तो डॉक्टर उसको बेहोश कर देता, अनकॉन्शियस कर देता, उस पेशेंट को भी बाहर का कुछ नहीं मालूम, बाहर क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, तो क्या मैं ये कहूँगा कि स्लीप और वो पेशेंट जो अनकॉन्शियस है दोनों सेम है या दोनों अलग है? क्यों, दोनों में उसको मालूम नहीं है बाहर क्या हो रहा है, दोनों सेम है, अलग है तो अलग क्यों है? हाथ कड़ा करके बोलेंगे तो मेरे को समझ आएगा। हाँ बोले मैडम, ओके। और पीछे कोई बोल रहा था, हाँ जी, एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि स्लीप हम लोग हर समय रोज होते हैं, एक आर्टिफिशियल है, वो प्रोसेस है। चलो आपने ये नेचुरल प्रोसेस से किया और ये आर्टिफिशियल से किया, उसके बाद क्या वो सेम है? प्रोसेस से, कोई भी प्रोसेस से स्लीप पहुंच गए, उसके बाद क्या वो सेम है स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस? हाँ बताइए। सुई चुबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हाँ जाग जाएगा, सॉरी, तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, करेक्ट। स्लीप में आप देखेंगे ना थोड़ा सा भी कहीं डिस्टर्बेंस होता है तो व्यक्ति जाग जाएगा, कोई आवाज़ जोर की आ गई, किसी ने थोड़ा सा हिला दिया, कुछ हो गया, लेकिन व्यक्ति बेहोश है तो कितना भी आप हिलाओगे कुछ नहीं होगा, डिफरेंस है दोनों। और कोई डिफरेंस? एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हर दिन जब हम सोते हैं तो हमको रात को सपने भी आते हैं, सपने आते हैं ना, लेकिन एक पेशेंट जिसको बेहोश किया है उसको सपने आएंगे नहीं आएंगे ना? तो दोनों में फ़र्क है ना। तो फ़र्क क्या है, जो मैडम ने भी करेक्ट बोला था, जब व्यक्ति बेहोश है तो उसको बाहर का तो कुछ मालूम है नहीं, लेकिन उसके अंदर भी माइंड भी शांत है, सबकॉन्शियस माइंड भी शांत है, लेकिन जब व्यक्ति सो रहा है तो उसका ब्रेन या माइंड एक्टिव है, सपने आ रहे हैं मतलब माइंड अंदर चल रहा है ना कुछ चल रहा है। बाहर से फिजिकली वो सो रहा है तो बाहर का उसको एनवायरनमेंट का नहीं मालूम, एक्सटर्नल नहीं मालूम, लेकिन इंटरनल उसका माइंड चल रहा है। माइंड के अलग अलग स्टेजेस है और आजकल हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर कर सकते हैं। अब आज रात को ये 200 लोग सो रहे, हम दिन के जब आप लोग उठोगे तो साइंस कैसे साधन है जिसमें हम मेजर कर सकते हैं, क्या ऐसा होगा कि आप 200 लोग सोए और नेक्स्ट डे उठे तो सब उतना ही रिचार्ज रिफ्रेश होंगे? सबका अलग अलग वैरायटी होगा ना, कोई ज़्यादा फ्रेश होगा, कोई कम होगा, कोई थका हुआ होगा,
सोए सब सेम टाइम पे सोए, सेम टाइम पर उठे, लेकिन फ़र्क होगा। हम ग्रेड कर सकते हैं पूरे 1 to 200 तक का कि ये इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी थी, इसकी 2, 3, 4, क्योंकि आजकल वैसे साइंस के साधन हैं जिससे आप ये मेजर कर सकते हो। तो स्लीप में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हो रही है, आप उठ रहे हो, स्लीप में बाहर का आपको कुछ नहीं मालूम लेकिन आपके अंदर चल रहा है, माइंड चल रहा है, ठीक है। तो ये स्लीप के बारे में जब हम डेफिनेशन देते हैं कि स्लीप कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच ए पर्सन कैन बी अराउज्ड, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो वो जाग जाएगा। इसमें ब्रेन बाहर से वो इंटरनल स्टिमुलाई मोर रिस्पॉन्सिव टू इंटरनल स्टिमुलाई, अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स करेगा, बाहर क्या हो रहा है उसको इतना नहीं मालूम होगा। और सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आगे का कनेक्शन है, स्लीप एक तरह से पार्शियल डिटैचमेंट है। हमारी जो कर्म इंद्रियाँ होती है ना उससे जैसे कि व्यक्ति डिटैच होकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट में चला गया, क्योंकि उस समय ना वो देख रहा है, ना वो सुन रहा है, ना वो स्मेल कर रहा है, ना वो टच फील कर रहा है। ये 5 कर्म इंद्रियों से कुछ टाइम के लिए जैसे वो व्यक्ति डिटैच हो गया और वो रेस्ट में, 5 कर्म इंद्रियों से डिटैच होना स्लीप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम क्यों सोते हैं, हम क्यों सोते हैं, हम लोग की रोज की कोई रूटीन है, आज कुछ विशेष बात हो गई, हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला कि सारे सोफे चेयर्स को उठा के दूसरे हॉल में ले जाना, बहुत मेहनत की, सब लोगों ने मेहनत की, सब थक गए। तो जनरली व्यक्ति थक जाता तो बोलता है ना अभी मैं बस बहुत थक गया हूँ, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो हम सो क्यों रहे, रेस्ट कर। क्वेश्चन ये है कि हम अपने आप को रेस्ट देने के लिए सो रहे हैं, लेकिन नींद हम किसको रेस्ट देने के लिए कर रहे हैं, बॉडी को रेस्ट देने के लिए कर रहे हैं या माइंड को रेस्ट देने के लिए कर रहे हैं? दोनों बोलेंगे तो करेक्ट, कोई ना कोई तो करेक्ट हो ही जाएगा। बॉडी को रेस्ट देने के लिए सो रहे हैं या माइंड को रेस्ट देने के लिए सो रहे हैं? माइंड, बॉडी। कितने लोग बॉडी के लिए बोल रहे हैं, हाथ खड़ा करो। ओके, हाथ नीचे करो। जितने लोग माइंड के लिए बोल रहे हैं, ओके नीचे करो। और जो बोल रहे हैं दोनों के लिए, ओके। तो बॉडी के लिए कम है, माइंड के लिए ज़्यादा है, और इन बिटवीन है दोनों के लिए। लॉजिक क्या कहता है, तीनों में से क्या करेक्ट होना चाहिए, माइंड बॉडी दोनों? आइडियली तो दोनों के लिए होना चाहिए ना। अच्छा, स्लीप थ्योरी कहती है कि जब हम सोते हैं तो हम बॉडी के लिए भी सोते हैं और माइंड के लिए भी सोते हैं। मेजॉरिटी लोग सोचते हैं कि हम सोते हैं बॉडी को रेस्ट देने के लिए, 90% बॉडी के लिए और 10% माइंड के लिए, ये हम समझते हैं। देखेंगे कि ये सही है या नहीं। ये एक एग्जांपल है जिसमें दो व्यक्ति है, एक है किसान जो कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है, 8-9 घंटे हल चला रहा है, खूब मेहनत का काम कर रहा है। दूसरा है एक बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट, घर में भी एसी में रह रहा है, बड़े आराम से कंफर्टेबली रात को सोता है, अगले दिन उठता है एसी गाड़ी में जाता है, ऑफिस है एसी है, उसमें बस चेयर पे बैठना है, कुछ फाइल्स को उसको क्लियर करना, पूरा दिन वो भी उधर काम कर रहा है, लेकिन कुछ हिलना डुलना है नहीं, बड़े आराम से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में। रात को ये भी आ जाता है, किसान भी वापस घर आ जाता है। अगर फिजिकल मेहनत देखें तो किसान ने इस बिजनेसमैन से 10 गुना ज़्यादा मेहनत की होगी कम से कम, क्योंकि वो तो कड़ी धूप में कई घंटे हल चला रहा। अगर फिजिकल रेस्ट, फिजिकल एग्जर्शन उसका 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो किसान अगर 10 घंटे सोता है तो क्या बिजनेसमैन 1 घंटा सोएगा तो काम चलेगा उसका, 1 घंटा से चलेगा, उसको भी चाहिए ना। और आप देखेंगे उल्टा, किसान कम सोता है उससे, वो जल्दी सो जाएगा और जल्दी भी उठ जाएगा, और हो सकता है बिजनेसमैन लेट सोए लेट उठेगा और वो उसमें भी वो इतना थका हुआ ही नज़र आएगा, फ्रेश नहीं होगा, इतना रिचार्ज नहीं होगा। स्लीप थ्योरी कहती है कि है दोनों के लिए, लेकिन प्राइमरली हम लोग सोते हैं अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए। माइंड को रेस्ट देना स्लीप का सबसे बड़ा, इसलिए पूरा दिन अगर मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी की
लेकिन माइंड तो चल रहा है ना, जब मैं जगा हुआ हूँ तो मेरा माइंड चल रहा है, मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ, कुछ चीज़ सोच रहा हूँ, कुछ चीज़ बात कर रहा हूँ, माइंड मेरा चल रहा है तो मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो एंड ऑफ द डे रात को मेरे को सोना ही पड़ेगा, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हुई है, और डिस्चार्ज से उसको रिचार्ज होने के लिए कहाँ रिचार्ज होगी, नींद में रिचार्ज होगी। नींद एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग वापस अपने आप को रिचार्ज करते हैं। कैसे हम समझें इस बात को, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक पहाड़ी है और इसके ऊपर एक व्यक्ति दौड़ रहा, दौड़ते 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 एकदम एंड में पहुंचा, और उसके बाद एकदम स्टीप खाई है, एक स्टीप फॉल है। क्या करेंगे? समझो आप दौड़ रहे हो, दौड़ते 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 एकदम एंड में पहुंच गए, और उसके बाद एक खाई है, क्या करोगे आप? भगवान को याद करोगे? भगवान को तो आप दौड़ते भी याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप लास्ट में पहुंचे तो क्या करोगे? रुक जाओगे, वापस मुड़ के आ जाओगे? कोई दौड़ता तो नहीं रह जाएगा? आगे दिख रही है ना खाई, आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते आपने देखा कि एकदम एंड में पहुंच गए और उसके बाद एक खाई है, तो क्या करोगे? रुक जाओगे? इसके अलावा कोई कुछ और करेगा? रेस्ट करोगे? चलो रुक गए आप, रेस्ट करोगे, कोई कंटिन्यू तो नहीं करेगा दौड़ने का प्रोसेस? अब यही चीज़ वापस हो रही है। अब ये जो घटना घट रही है, आप ही दौड़ रहे हो, सेम हिल है, लेकिन ये सर्कमस्टेंस थोड़े चेंज हो गए। आप सो रहे हो, आपको एक सपना आया है, सपने में आप दौड़ रहे हो, दौड़ते 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 आपके पहाड़ के एकदम टॉप में पहुंच गए, उसके बाद एक खाई है, सर्कमस्टेंस थोड़ा चेंज हुआ, आप ही दौड़ रहे हो, लेकिन उससे पहले आप सो रहे हो, फिर आपको सपना आया, सपने में आप दौड़ रहे हो और वो पहाड़ी है, दौड़ते 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 एकदम टॉप में पहुंचे और अब एक खाई है, क्या करोगे? घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, पसीना आ जाएगा, जर्क लगेगा, झटका लगेगा। दोनों सिचुएशन में आप ही दौड़ रहे थे, पहाड़ी भी वही थी, सिचुएशन भी वही था, एंड में वो पहाड़ी खत्म होती और एक खाई है। पहली बार जब आप दौड़े तो आपने देखा खाई है, आप रुक गए, बड़े आराम से घूमे और वापस आ गए। दूसरी बार आप घबरा गए, झटका लग गया, पसीना आ गया, ऐसा डिफरेंस क्यों? सेम व्यक्ति है, सेम सिचुएशन है, सेम सर्कमस्टेंस। हाँ, चेंज ऑफ माइंड। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको रुकने का फैसला कौन देता है? रुकने का फैसला माइंड देता है, और उस समय माइंड रेस्ट पे, नींद में माइंड रेस्ट में है, तो कोई फैसला लेने वाला नहीं है। फैसला लेने वाला नहीं है तो आप दौड़ते दौड़ते दौड़ जाते हो, दौड़ते हो तो गिर जाते हो, गिर जाते हो तो घबरा जाते हो, बट क्योंकि ये ड्रीम में हो रहा तो एक झटके से आप उड़ जाते हो। सो रहे हैं हम माइंड को रेस्ट देने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी को भी रेस्ट मिलता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको माइंड को रेस्ट देते हैं। और ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया कि स्लीप के समय हमारा माइंड रेस्ट में। तो नींद के लिए, एक अच्छी नींद के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल है, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्कम्फर्ट टू माइंड और बॉडी व्हेन वी गो टू बेड। यानी जब हम सो रहे हैं तो अगर हमारा बॉडी भी डिस्कम्फर्ट में है तो भी हमें सही नींद नहीं आएगी, अगर माइंड भी डिस्कम्फर्ट में है तो भी हमको सही नींद आएगी। दोनों कम्फर्ट में होगा तब हमको अच्छी नींद आएगी, है ना? अभी आप समझो ट्रेन में जा रहे हो, आपको रिजर्वेशन नहीं मिला, एक जनरल के डब्बे में जा रहे हो, उधर कितना डिस्टर्बेंस है, फिर भी आपको ऊपर कोई बर्थ मिल गई, आप लेट गए, 8-9 घंटा आप सोए, अगले दिन जब आप घर में आओगे पूरी रात अपने ट्रेन के जनरल डब्बे में ऊपर वाली बर्थ पे बड़े आराम से लेट के बिताई, लेकिन अगले दिन जब आप घर पे आओगे, घर पे आके सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? अगर टाइम है, छुट्टी है तो क्या करोगे? क्योंकि पिछले दिन पूरी रात भले आप सोए लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि फिजिकल डिस्टर्बेंस है। इसलिए जब भी हम सोते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि
एनवायरनमेंट, चाहे लाइट है तो लाइट ऑफ हो, कोई आवाज़ नहीं हो, आजकल गर्मी है, फ़ैन हो, एसी हो, फिज़िकल एनवायरनमेंट भी हम कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर फिज़िकली भी बॉडी कंफर्ट में नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी। और सेकंड है कि हमारा माइंड भी कंफर्ट में होना चाहिए। तो जो सेकंड एस्पेक्ट को हम फिर आगे देखेंगे। तो पुराने ज़माने में क्या होता था और अभी क्या होता है, पुराने ज़माने में लोगों के लाइट नहीं होती थी तो जनरली जो नियम होता था कि सनसेट के आसपास वो लोग फिर खाना खा लेते थे और फिर कुछ टाइम के बाद सो जाते थे, थोड़ा जल्दी सोते थे, है ना, खाना भी जल्दी खाते थे। अब क्या होता है, जनरली आज के सोशल कंडीशंस के हिसाब से खाना खाने का टाइम पीछे 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 होता जाता है और व्यक्ति क्या करता है, लिटरली 9:30, 10:30 तब खाना खा के फिर वो सोता। अब होगा क्या कि जब आपने एकदम लेट खाना खाया उसके बाद आप सो गए, अब शरीर को उस खाने को पचाने के लिए काम करना चालू करना पड़े, तो बॉडी आपकी इतनी रेस्ट में नहीं है, क्योंकि बॉडी को अभी एक काम मिल गया, बॉडी इज़ वर्किंग, और वो उसमें भी अगर कुछ बहुत हैवी खा लिया, कुछ मसाले वाला खा लिया, ये खा लिया, तो उसको डाइजेशन करने में भी कर। तो इसीलिए कहते थोड़ा आप सोने और खाने के बीच में ना टाइम हो, अर्ली डिनर करके फिर कुछ टाइम के बाद सोते हैं तो आप आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, रेस्ट में, तो वो आपको कंफर्टेबल करेगा। दूसरा, लाइट का बहुत इफेक्ट होता है ना, अभी भी आजकल आप देखेंगे जहाँ BPOs होते हैं, कंपनीज होती है, जहाँ उन लोग के नाइट शिफ्ट सिस्टम होता है, या ऐसे कहीं भी ऐसे कोई ड्यूटी करना होता है, तो कोशिश करके जो भी कंपनी एम्प्लॉयर्स है क्या करते हैं, ब्राइट लाइट रखते हैं, जिससे कि व्यक्ति को नींद नहीं आए, क्योंकि जैसे ही लाइट कम होती है तो हमारे यहाँ एक बॉडी में एक ब्रेन के अंदर एक हार्मोन है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, उसका वो रिलीज होता है और वो स्लीप को इंड्यूस करता है ना। तो पहले के नॉर्मल लाइफस्टाइल में उनके खाने खाने का जो स्टाइल था, अर्ली खाते थे, सनसेट के साथ वो खाना ख़त्म होता था, उसके बाद जल्दी सो जाते थे, उसके कारण उनको एक नेचुरल प्रोसेस में एक हेल्दी स्लीप मिलती थी। अब हमारे लाइफस्टाइल बदलने के कारण हमको वो नॉर्मल हेल्दी स्लीप की कमी हो रही। तो नींद में, क्योंकि व्यक्ति सो तो जब से है तब से सो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो स्टडी है वो रिसेंटली हुई, क्योंकि स्टडी करने के लिए कुछ यंत्र चाहिए जिसका आविष्कार अभी कुछ सालों में ही हुआ है। तो इसमें से मुख्य 3-4 चीज़ें हैं जिसकी जिसके द्वारा एक व्यक्ति को स्टडी करते हैं कि स्लीप में हो क्या रहा है, तभी तो हम समझेंगे कि स्लीप में हो क्या रहा है और उसके लिए हमको क्या करेक्टिव एक्शन लेना। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है EEG। EEG क्या होता है? ECG सुना है आप लोग ने? ECG आपके हार्ट के बारे में बताता ना, वैसे EEG आपके ब्रेन के बारे में बताता, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बताता, इलेक्ट्रोएन्सिलोग्राफ। EOG ये आपकी आंखों की पलकें होती है ना, इसके मूवमेंट को मेजर करता है। जब भी कोई व्यक्ति सोता है तो बीच बीच में आप देखेंगे उसकी आंखें की पलकें ऐसे फटफटाती है, कुछ टाइम फटफट आएगी फिर वापस शांत हो जाएगी, कुछ स्लीप का एक पैटर्न है, तो वो उसको मेजर करता। EMG आपके मसल्स को मेजर करता है, मसल्स कभी स्टिफ हो जाते हैं, जनरली रिलैक्स रहेंगे कुछ समय मसल्स एकदम स्टिफ हो जाते हैं, तो उसको मेजर करता। और ऑफकोर्स हार्ट को मेजर करने के लिए ECG। तो क्योंकि इन यंत्रों का आविष्कार अभी बहुत रिसेंटली हुआ है इसीलिए इसकी स्टडी अभी, इसलिए स्लीप के ऊपर भी जो सारी स्टडी है वो अभी हमको कुछ समय पहले ही पता चला। और विशेष उसमें कोई व्यक्ति को स्लीप लेबोरेटरीज होती है, उसके अंदर सोता है व्यक्ति और ये सारे इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि पूरे रात में उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यंत्र था चारों में से वो है EEG, वो आपके ब्रेन के बारे में बताता है, माइंड कैसे चेंज हो रहा, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है, इसलिए पूरी मेंटल एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है ये EEG। इसलिए EEG को हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड टू मेजर द कामनेस ऑफ द माइंड। व्यक्ति शांत होगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्लो होगी, और जितना व्यक्ति एजिटेटेड होगा, गुस्से में होगा, क्रोध में होगा, तो क्या होगा, उसका माइंड की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। तो अलग अलग स्टेट, अभी हम लोग जब जागे हुए हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी कोई माइंड की स्टेट होगी,
तो इसको हम लोग वैसे बीटा फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इस समय हम लोग बीटा फ्रिक्वेंसी में, यानी माइंड के 13 से 30 साइकिल्स पर सेकेंड, इस स्टेट में हमारा माइंड अभी चल रहा है। तो सोएंगे तो रिलैक्स होंगे तो ये फ्रिक्वेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होनी चाहिए ना, क्योंकि हम रिलैक्स हो रहे हैं, सो रहे हैं, रेस्ट में जा रहे हैं, तो ये कम होगी। और कोई कारण से आज अभी सडनली आप अभी बैठे हैं, कोई बात से झगड़ा हो गया, तो अचानक आप देखेंगे कि आपकी वो माइंड की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। हमें कितना सोना चाहिए, उससे पहले मैं कुछ सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। प्रकृति में सभी जानवर पशु सब सोते हैं, तो ये रैंडमली मैंने कुछ जानवरों को लिया है। शेर कितना सो रहा है 24 घंटे में? शेर कितने घंटे सो रहा है? शेर या टाइगर जो भी बोलो, दोनों सेम है, करीब 16 घंटे। हाथी कितना सो रहा है? पीछे से दिख रहा है वैसे सबको, कितना सो रहा है हाथी? जिराफ कितना सो रहा है? 2 घंटे से भी। आप देखेंगे प्रकृति में लैंड एनिमल्स में सबसे बड़े एनिमल्स में एलिफेंट जिराफ है, और ये कितना कम सो रहे हैं। क्या कारण होगा? इनका ब्रेन का साइज छोटा है। हाथी को बोलते हैं सबसे ज्यादा याददाश्त उसकी है, सबसे ज्यादा होशियार हाथी को मानते हैं। क्या कारण है कि ये सबसे बड़े जानवर इतना थोड़ा सो? वेजिटेरियन है। ओके, वेजिटेरियन और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं हो। मैंने बोला हाथी एक बहुत होशियार है भाई, हाथी की मेमोरी भी सबसे ज़्यादा। अच्छा, स्ट्रेस तो जंगल का राजा कौन है? शेर। हाँ, तो शेर 16 घंटे सो रहा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग लास्ट में देखेंगे, है ना। पहले हम लोग मनुष्य का समझेंगे, फिर हम अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। बाकी इनके ऊपर कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं होती। बहुत लोगों को सोने में तकलीफ होती है ना। कई लोग सोते हैं बहुत देर के बाद नींद आती है, कई लोग होते हैं बीच में रात में कई बार उठ जाते हैं। स्लीप का कई लोगों को प्रॉब्लम है, इधर स्लीप के प्रॉब्लम्स छोटा मोटा तो होता ही है, कभी कभी सोते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लगता है नींद आने में। कई लोगों का होता है ना, वो जहाँ रहते हैं कोई और जगह पे चले गए तो उनको नींद नहीं आएगी, उनको अपनी खटिया पे ही नींद आती है, कहीं और कोई खटिया में हो तो नींद नहीं आई, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो उनको नींद नहीं आएगी। जगह बदल गई, स्थान बदल गया, ओरिएंटेशन थोड़ा ऊपर नीचे, ये स्लोप हो गया, ये हो गया, हल्का सा भी चेंजेस होता है तो कुछ लोगों को देखो इनको ध्यान से। हम में से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई लोग होते हैं जिनको तकिया नहीं होगा तो उनको नींद नहीं आएगी, वो तकिया के बिना सो ही नहीं सकते। और तकिया भी कई लोगों को मोटा चाहिए होता है, पतला सा। अब रेलवे में जानते हो ना, राजधानी और ये सब में तकिया तो मिलता है लेकिन वो चद्दर जितना ही होता है, तो बोलते हैं इससे कैसे सोए। कईयों को पिल्लों के बिना नींद नहीं आती, इनको देखो। ये बड़े आराम से सोए हुए। कईयों को बेड पर ही नींद आती है। कई लोगों को सिर्फ बेडरूम में नींद आती है। कई लोग सिर्फ बस सीधा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो नींद आएगी, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो। लेकिन इनको ध्यान से देखो, बड़ी गहरी नींद में है सब। तो ऐसा क्यों है? ना बेड है, ना बेडरूम है, ना पिल्लो है, ना कुछ, सीधा स्ट्रेट प्लेन जगह है, लेकिन सब गहरी नींद में। हम लोग को ये सारे कंडीशन देने के बावजूद भी कई बार गहरी नींद नहीं आती। बच्चे हैं, हम भी तो बच्चे थे ना कभी, सीधे तो बड़े नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव लॉस्ट द आर्ट ऑफ स्लीपिंग ऑल्सो, है ना, क्योंकि एक समय हमारे पास भी थी खूबी, हम भी सो सकते थे और आज हम वैसा सो नहीं पाते. क्या रीज़न है ये लोग सो लेते हम लोग नहीं सो पाते? चिंता नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, है ना. तो ये स्ट्रेस और स्लीप का बड़ा गहरा कनेक्शन है, दोनों का एक दूसरे का इफेक्ट होता है. मैंने कहा स्लीप का एंटीडोट, सॉरी स्ट्रेस का एंटीडोट भी स्लीप है, और अच्छी स्लीप नहीं मिलेगी तो स्ट्रेस भी होगा, है ना. तो ये दोनों का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन. इनका स्ट्रेस नहीं है तो बड़े आराम से इनको कहीं भी नींद आ जाती है. तो स्लीप थ्योरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग के माइंड ब्रेन की फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं और उससे पता चलता है कि व्यक्ति सो रहा है, कैसे सो रहा है, गहरी नींद में, हल्की नींद में, या हम भी जब सोते हैं तो हम कैसे अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं. तो उसमें हमारा जो माइंड है उसको ईईजी में उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं और ये सबसे बड़ा इंडेक्स है जिससे हम पूरे नींद के समय क्या क्या हो रहा है पता लगा सकते हैं. जब हम जागे हुए हैं, अभी हम लोग जो सब जो जागे हुए हैं, तो अभी आप किसी की भी फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे तो 13 से 30 हर्ट्स बीटा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हम सब जनरली इस रेंज में होंगे 13 से 30 हर्ट्स. और जैसे ही व्यक्ति थोड़ा सा रिलैक्स होता है, नींद की तरफ बढ़ता है, या ऐसे भी कभी समझो प्रकृति का बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छा मौसम है, व्यक्ति एकदम रिलैक्स्ड है, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड शांत होता है और हम एक लेवल नीचे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फा फ्रीक्वेंसी, 8 से 12 हर्ट्ज. फिर व्यक्ति नींद में भी एक थोड़ी हल्की नींद होती है और एक गहरी नींद होती है. तो थोड़ा और जब वो स्लीप की तरफ, डीप स्लीप की तरफ जा रहा होता है तो एक लेवल और थीटा, 5 से 8, और थोड़ी देर के लिए हम एकदम गहरी नींद में जाते हैं, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं डेल्टा फ्रीक्वेंसी, 2 से 4 हर्ट्स. बहुत थोड़े टाइम के लिए, पूरे जब जितना टाइम भी हम सोते हैं उसमें बहुत थोड़े टाइम के लिए हम ये सबसे गहरी नींद में डेल्टा फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, जीरो नहीं होते, 2 से 4 सबसे लो 2 से 4. और इसी को एक ग्राफ के अंदर बनाया है. पूरी नींद में क्या होता है इसके सारे उत्तर, ये एक सिंपल सा ग्राफ है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल करके भी दिखाऊंगा. ये क्या है, टाइम है, रात को व्यक्ति 11 बजे सो रहा है और समझो सवेरे 6 बजे उठ रहा है, और ये है व्यक्ति जब जागा हुआ है और ये एकदम गहरी नींद, स्टेज 4 सबसे गहरी नींद. तो स्लीप थ्योरी सबसे पहली चीज कहती है कि हम लोग कंटिन्यूस नहीं सोते, हम लोग साइकिल्स में सोते. इसलिए मैंने कहा, जब किसी ने कहा ना मैं 6 घंटा सोता हूँ, 7 घंटा सोता हूँ या 5 घंटा सोता हूँ, कोई नहीं सोता क्योंकि हम साइकिल में सोते हैं और एक साइकिल करीब 100 मिनट की होती है. ये जो टाइम है ये करीब 100 मिनट है. तो जागा हुआ है, गहरी नींद में आता है और वापस जागृत अवस्था तक आता है, 100 मिनट के साइकिल में सोता है. नहीं, इसका रीज़न ये है, इसका एक एग्जांपल से मैं जोड़ता हूँ. काफ़ी समय पहले एक बार बीएसएफ में प्रोग्राम हुआ था, तो बीएसएफ का एक जवान ने बोला कि सर मुझे 17 साल हो गए नौकरी में और मेरी ड्यूटी सारा टाइम ये सिक्योरिटी में, शिफ्ट सिस्टम ये है, रात दिन शिफ्ट सिस्टम से ड्यूटी करता हूँ, तो मैं 17 साल से सोया ही नहीं हूँ. तो नेचुरल है, हम लोग सबको अनुभव है, कभी कभी एक दिन हम नहीं सो पाते, 2 दिन नहीं सो पाते. अगर आप एक दिन पूरा नहीं सोए तो क्या होगा, अगले दिन क्या हाल होगा आपका, और कहीं अगर 2 दिन कंटिन्यूस नहीं सोए तो क्या होगा. कोई अगर बोलेगा 17 साल से मैं नहीं सोया हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तो फिर आप तो बीमार हुए होंगे, डॉक्टर के पास गए? तो नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास तो नहीं गए, डॉक्टर थोड़ा हमारा दूर रहता है, वहाँ तक जाने का अभी टाइम नहीं होता हमारे पास. तो व्यक्ति अगर 17 साल से नहीं सो रहा और बीमार भी नहीं हो रहा, है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग जो स्लीप के बारे में वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो जैसे वो क्या सोचता है कि स्लीप मतलब रात को 10 बजे सोना और सवेरे 6 बजे उठना, वो तो मैं कभी कर नहीं पाता क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा शिफ्ट सिस्टम में ड्यूटी होगा तो मैं इस तरह से सो नहीं पाता, तो मैं कभी सो ही नहीं पाता. लेकिन वो होता क्या है, वो शिफ्ट सिस्टम में साइकिल्स में सो रहा है
और साइकिल्स में सो रहा है, कुछ रात को सो रहा है, कुछ दिन को सो रहा है, तो वो टोटल जितना बॉडी को या माइंड को रिक्वायरमेंट है वो उसकी मीट हो रही है। आइडियल कंडीशन नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग स्लीप थ्योरी के हिसाब से सो कंटिन्यूस रहे ही नहीं है, हम साइकिल्स में सो रहे हैं, इसीलिए वो उसके लिए चालू है। इसीलिए वो इतने साल तक उस तरह की ड्यूटी करते हुए भी, बहुत सारे दुनिया में भी BPOs में इसमें अलग अलग टाइमिंग्स के कारण, बट ओवरऑल 24 आवर्स में वो मीट कर लेते हैं, इसीलिए उन लोग बीमार नहीं पड़ते, यानी उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट होती है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पूरा स्लीप हम लोग माइंड को रेस्ट देने के लिए कर रहे हैं, माइंड को रिफ्रेश और रिचार्ज करने के लिए कर रहे हैं, और ये होता है सबसे गहरी नींद में। ये जो लाल बताया इसको हम बोलते हैं डेल्टा फ्रिक्वेंसी, इस समय आप रिचार्ज होते हो। जब आप रेल के डब्बे में, जनरल डब्बे में ऊपर वाली बर्थ पर लेटे थे, 6-7 घंटे की बजाय 9 घंटा आप सोए थे, फिर भी अगले दिन आप बिल्कुल थके हुए थे, क्यों? क्योंकि जब भी आप गहरी नींद की तरफ जा रहे हो, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस के कारण वापस ऊपर आ जाते हैं, फिर जा रहे हो, फिर ऊपर आ जा रहे हो। तो ये जो गहरी नींद है डेल्टा फ्रिक्वेंसी, ये आपको नहीं मिल रही। ये जो एक साइकिल है करीब 100 मिनट है, और इसमें 20 मिनट आप इस गहरी नींद में रहते हो, 20 मिनट इधर, 20 मिनट इधर, 10 मिनट इधर, और इधर क्या हुआ है ही नहीं, ये खत्म। और एक चीज बढ़ रहा है, जो ग्रीन पोर्शन आप देखेंगे ना, ये हर साइकिल में बढ़ता रहता है। ग्रीन पोर्शन को हम एक्चुअली रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। इस समय आप सो तो रहे हो, लेकिन आपके जो माइंड की स्टेट है, जैसे जागे हुए व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी एकदम हाई है, वैसे यहाँ भी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, और इस समय आपको सपने आते हैं, सपने रेम स्लीप में आते हैं। तो जैसे जैसे साइकिल बढ़ती जाएगी, यानी टाइम बढ़ता जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपको ये जो गहरी नींद तो मिल नहीं रही, लेकिन ये पार्ट बढ़ता जा रहा है। ये पार्ट बढ़ना मतलब ये इस समय माइंड हाई फ्रिक्वेंसी पे है, यानी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। जब अभी हम लोग पूरे दिन अगर हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो थकावट तो हो रही है ना, जब बैटरी तो डिस्चार्ज हो रही है, तो वैसे ये डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर 6-7 घंटे सोता है, और मैंने एक दिन उसको बोल दिया कि आप पूरा 16 घंटे सो जाओ कंटिन्यूस, कुछ कोई काम नहीं, 16 घंटे के बाद जब वो उठेगा क्या होगा, वो बिल्कुल टायर्ड फील करेगा, है ना, क्योंकि कुछ समय के बाद वो शक्ति जनरेट करने के बजाय कंज्यूम करने लगा। हम लोग सो रहे हैं माइंड को रेस्ट देने के लिए, माइंड का रेस्ट जो सबसे ज़्यादा रिचार्ज हो रहा है वो है डेल्टा फ्रिक्वेंसी में। डेल्टा फ्रिक्वेंसी आपको पहले 3 साइकिल में मिलते हैं। एक साइकिल कितने मिनट की है, 100 मिनट। 3 साइकिल कितने मिनट हुए, 300 मिनट। 300 मिनट कितने घंटे हुए, 5 घंटे। 24 घंटे में 5 घंटा अगर व्यक्ति सोता है, अच्छी नींद सोता है, इट इज़ सफिशिएंट, है ना। तो अधिकतर लोग जो सोचते हैं 6-8 घंटा, वो हमारी एक मान्यता है, एक धारणा है, ट्रुथ नहीं है। 5 आवर्स ऑफ गुड स्लीप इज इनफ। इसलिए आप देखेंगे जो यहाँ का भी रूटीन क्या है, यहाँ वाले लोगों का रूटीन क्या है, कब सोना होता है इनका, 10 बजे का सोना है और 3:30 का उठना है। 10 बजे का सोना भी 10 का 10:15 10:30 हो ही जाता है, तो 5 आवर्स 5.5 आवर्स बस इतना ही सोते हैं, है ना, सफिशिएंट है इतना बॉडी के लिए, माइंड के लिए सफिशिएंट है। इसको मैंने थोड़ा सा और एक ही साइकिल में अगर मैं बताऊं क्लैरिटी के लिए, तो एक साइकिल 100 मिनट की होती है करीब। इसमें सबसे ऊपर आप जागे हुए हो, तब मैंने कहा कि आप अवेक स्टेज में हो, बीटा फ्रिक्वेंसी है। फिर आप एक लेवल नीचे जाते हो जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, लाइट स्लीप की तरफ जाते हो, अल्फ़ा फ्रिक्वेंसी 8-12। फिर आप थीटा में जाते हो, 5-8 हर्ट्स। और कुछ समय के लिए आप एकदम गहरी नींद में जाते हो, डेल्टा फ्रिक्वेंसी, जिसको 2-4 हर्ट्स बोलते हैं। और फिर वापस आप ये रिवर्स साइकिल उल्टा होता है, और ये ग्रीन पोर्शन जिसको मैंने कहा रेम स्लीप, जिसमें अगर आप फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो जैसे जागे हुए हो वैसे ही यहाँ। तो रेम स्लीप की विशेषता ये है कि आपको सपने जो है इसमें आते। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जब रेम स्लीप में व्यक्ति है तो उस समय पूरा बॉडी, सारे मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। व्यक्ति पैरालाइज होएगा तो क्या होगा, वो हाथ पैरालाइज हो गया तो हाथ हिला सकता है, पूरी बॉडी आपकी पैरालाइज हो जाती है रेम स्लीप में। ऐसा क्यों होता होगा, थोड़ा सा टाइम के लिए पूरी बॉडी आपकी पैरालाइज हो जाती है।
क्यों होता होगा? कोई क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही अपने आप में एक ना करिश्मा है कि कितनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है, कैसे हर चीज़ चल रहा है, ऐसे हर कार्य कर रहा है। तो ये भी एक मैकेनिज्म है। क्या रीज़न होगा कि थोड़े टाइम के लिए आप बिल्कुल पैरालाइज हो गए? ब्रेन की रिपेयर चल रही है, उसके लिए बॉडी को पैरालाइज होने की क्या ज़रूरत है? बॉडी को तो रेस्ट पूरे उसमें मिल रहा है क्योंकि बॉडी तो स्टिल है ना, तो उस समय बॉडी को तो रेस्ट मिल रहा है। तो उसका रीज़न इसलिए है, मैंने बोला ना रेम स्लीप है जिसमें आपको सपने आते हैं। अभी सपने में आप मेरे सामने आए और आप हमारे हैं दुश्मन, तो नेचुरली आपने मुझे मुक्का मारा, मैं आपको मुक्का मारूंगा या नहीं मारूंगा? तो मैंने मुक्का मारा धड़ाम, बगल में कोई अगर होगा तो क्या होगा, उसको लग जाएगी। अगर कोई नहीं होगा तो मेरे हाथ को लग जाएगी। कई बार हम अपना ड्रीम को एक्ट नहीं कर दें जिससे कि हम दूसरे को भी इंजर कर दें या खुद को इंजर करें, उससे बचने के लिए नेचुरल कुदरती थोड़ा सा टाइम के लिए हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है कि हम वो एक्शन नहीं कर सकते। इसलिए आपको याद है जब मैंने कहा हिल का जो एग्जाम्पल दिया, जब आप दौड़ रहे थे आप सपने में थे, सपने में मतलब आप रेम स्लीप में थे, उस समय जब आप गिरने का था तो आप झटके से होते क्योंकि थोड़ा देर जैसे हिलने की कोशिश कर रहे हो, हिल भी नहीं पा रहे, कुछ टाइम के लिए आप जैसे पैरालाइज थे, फिर जैसे व्यक्ति जाग गया तो फिर वापस वो कर पाता, पर थोड़ा टाइम के लिए आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। नींद में चलते हैं वो एक्चुअली इधर नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा नींद में चलते हैं वो जो ये है ना, ये स्टेज में गहरी नींद में इस समय चलते हैं, तो वो एक अलग फेनोमेनन है। उसके अंदर व्यक्ति ये थीटा या डेल्टा में होता है और उस समय वो ऑटोमेटेड चल रहा है। वो भी एक तरह के जैसे होता है ना, कई तरह की स्लीप के भी बीमारियां हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, तो स्लीप के साथ ये भी एक ना, स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग ये भी बड़ी बीमारी है। हाँ, तो इससे भी बड़े कई सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे आजकल बड़ा एक दुनिया हमारे देश में भी बहुत सारी इसकी चर्चा हो रही है, तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कई साल पहले न्यूज़पेपर की बात है, तो ऐसे ही एक ऑर्थोडॉक्स कंट्री था, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्री थी, तो जिसमें जॉइंट फैमिली होती है, तो फैमिली थी, तो रात को सो रहे थे तो पति को कोई सपना आया, तो सपने में उसने फिर जोर से बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो बाकी लोग ने सुन लिया, तो बस अगले दिन बोला भैया अब तो तलाक। अब पति बोले भाई मैं तो तलाक नहीं लेना चाहता, बोला नहीं आप तो तलाक 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 तीन बार बोल दिया आप खत्म, क्योंकि वो एकदम ऑर्थोडॉक्स है। तो कोई क्यों स्लीप टॉकिंग भी एक तरह की बीमारी है ना, तो कोई प्रॉब्लम है उसके कारण उसने बोल दिया और देखो कितनी बड़ी समस्या में फंस गया। तो वैसे स्लीप वॉकिंग भी एक बीमारी है, बट स्लीप वॉकिंग की विशेषता ये है कि वो इस समय नहीं होता, वो इस समय होता है, उस समय व्यक्ति ड्रीम की स्टेज में नहीं है वो। इसके ऊपर भी 1988 में इंग्लैंड का एक किस्सा है, तो एक व्यक्ति ऐसे ही जिसको ये स्लीप वॉकिंग की बीमारी थी, नींद में उठा, अपने इन लॉज के घर गया, अपने इन लॉज को उसने मार दिया, पुलिस स्टेशन गया और अपने आप को सरेंडर कर दिया, कोर्ट में केस चला, लेकिन वो था स्लीप में, स्लीप वॉकिंग में। जज क्या फैसला करेगा, गिल्टी नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी कि गिल्टी? मर्डर कर दिया दोनों इन लॉज, फादर मदर दोनों को मर्डर करके वो खुद ही अब जेल में पुलिस स्टेशन गया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो वहाँ जज ने उसको नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया, है ना? हाँ जी, समझ में नहीं क्या बोला? हाँ नहीं, ये जो है ये तो टोटल रिक्वायरमेंट बताया, और रिक्वायरमेंट मतलब एक साइकिल 100 मिनट्स का है। आइडियली सब लोग जो नॉर्मल कन्वेंशनल है कि वो रात को सोते हैं सवेरे उठते हैं, उनका कंटिन्यूस होता है, लेकिन क्योंकि हम साइकिल्स में सो रहे हैं, तो अगर कोई कारण से रात को मैं सिर्फ समझो 3-4 घंटा ही सो पाया ना, तो दो साइकिल अगर मेरी हो गई, क्योंकि 200 मिनट मतलब 3 घंटा और कुछ टाइम होगा, तो
दो साइकिल मैं उधर सो पाया और फिर मैं दिन में मैंने एक साइकिल सोया, तो पूरे 24 घंटे में अगर मेरी वो तीन साइकिल मिनिमम होती है तो मेरे लिए वो सफिशिएंट है। तो साइकिल्स में मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को जो ये पाँच घंटा है, ये साइकिल्स में अगर हमको पाँच घंटा मिलता है तो काफ़ी है ना। तो ये इस तरह से आप देखेंगे जैसे जैसे साइकिल बढ़ रही है तो ये जो ग्रीन पोर्शन है रैम पोर्शन ये बढ़ता जाएगा, और आपकी ये गहरी नींद है फोर्थ साइकिल में तो ये भी नहीं होती, और उसके आगे तो फिर ये जो थीटा का भी थोड़ा बहुत है वो भी गायब हो जाता है ना। तो एक टाइम के बाद, एक ऑप्टिमम टाइम के बाद, उसके बाद हम जो सोते हैं, और मेजॉरिटी लोग वैसे सोते हैं, वो एक आदत के कारण सोते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आज की युग में जहाँ टाइम इतना इम्पोर्टेंट होता है, टाइम इज़ मनी बोलते हैं, तो एक तरह से वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो महान लोग हैं, वो लोग कम सोते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा वो मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि उस समय माइंड सबसे पावरफुल होता है, सबसे फ्रेश होता है, सबसे चार्ज्ड अप होता है। तो हाँ जी, मोर बेटर तो कंटिन्यूस है, क्योंकि देखो कुदरत ने नेचुरल स्टाइल जो बताया है वो रात को सोना होता है और दिन को काम करना होता है, लेकिन आजकल हमारे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हम वैसा मीट नहीं कर पाते, तो उसका फिर भी नाइट का, मैंने बोला ना लाइट का इफेक्ट होता है, नाइट का एक एनवायरनमेंट होता है जो नेचुरली बॉडी को कंड्यूसिव है सोने के लिए। कंटिन्यूस भी आप डे की भी बात कर रहे हो ना, मैंने ये कहा जो आइडियल चीज है, आइडियल चीज तो है कंटिन्यूस नाइट, दैट इज व्हाट इज बायोलॉजिकली नेचर वाइज ऐसा करना चाहिए। अब ये है कि ये नहीं कर सकते किस कारण से पार्ट्स में करना पड़ रहा है, उसके कारण नुकसान तो होगा बट वो माइनर होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। कई बार मुझे ये मालूम नहीं है होता क्या है, उसके कारण मेरा थोड़ा सा लॉस तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम नहीं है मैं उसके स्ट्रेस लेकर इतना लॉस कर रहा हूँ, सारा टाइम मैं ये सोचता रहूँगा नींद तो मिल नहीं पा रही, वो मेरे को वो नाइट शिफ्ट करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो स्ट्रेस के कारण जितना लॉस हो रहा वो इससे 10 गुना ज़्यादा हो रहा है ना। तो कई बार लैक ऑफ नॉलेज हमको नुकसान कर रहा है। हाँ, बायोलॉजिकल ज़्यादा। हाँ जी, ज़्यादा वो उसका रीज़न ये है कि आजकल हम लोग ने अपने आप को डिस्टर्ब कर दिया, तो सोने में ना जब तक हम सोते हैं एक्चुअली बहुत टाइम चले जाता है, तो वो पूरा चीज़ जैसे शिफ्ट हो जाता है, तो नेचुरल है वो सवेरे की तरफ चले गया। अगर आप 10 बजे आप सोए और टक करके आपको नींद आ गई तो आपका वो ऐसे मॉर्निंग को आपको गहरी नींद का ऐसा नहीं लगेगा। अभी क्या वो चीज़ ऑटोमेटिकली सब शिफ्ट हो गई, क्योंकि व्यक्ति को सोने के समय एक दो घंटा लगता है, वो काफ़ी टाइम तक वो धीरे 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 सोता है, तो एक्चुअल स्लीप बहुत बाद में स्टार्ट होती है। आप सोच रहे होंगे 11 बजे में सोया, एक्चुअली 1 बजे से सो रहे हो, फिर 1 बजे सोओगे तो नॉर्मली 4-5 बजे जो इफेक्ट होना चाहिए वो 6-7 बजे होगा, जैसे तब आपको लगेगा यार अभी तो गहरी नींद, अभी और थोड़ा सो लेना चाहिए, वो हमारे अपने हमने अपने आप को डिस्टर्ब करके सो रहे हैं उसके कारण हो रहा। तो जैसे टाइम के साथ मैंने कहा ये लाल वाला जो है ना स्टेज 4 डेल्टा फ्रीक्वेंसी ये कम होता जाएगा और ये रैम फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ महान लोगों के हैं, सब लोग देखेंगे जितने बड़े बड़े लोग हैं महान लोग जिन्होंने अच्छा जीवन में बहुत ऊंचा कार्य करना है तो वो लोग सबसे ज़्यादा मॉर्निंग को प्रेफर करते हैं, जितना जल्दी हो सके उठें और उसको टाइम को यूटिलाइज कर सके। हाँ बताता हूँ, उसके लिए भी बताता हूँ। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी का तो हर समय आपके पास आपके हाथ में नहीं होगा, है ना, कई सर्कमस्टेंसेस में कई जगह पे है उसमें क्वांटिटी तो डिफाइन होती है, भाई इतना ही टाइम आपके पास है सोने के लिए, लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि जितना टाइम है उसकी हम क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, देखते हैं इसमें चलता है या नहीं, ये वीडियो को देखना ध्यान से, 2 मिनट का वीडियो है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, 2 मिनट का ध्यान से देखना कि ये बच्चा कौन सी स्लीप में।
डेल्टा में थीटा। अच्छा, ये जो एग्जांपल आपको इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था, हाँ, क्योंकि मैंने तो कह दिया 5 घंटा सोना चाहिए, लेकिन आप देखते हो छोटा बच्चा 3 महीना 4 महीने का कितना सोता हो, वो 20 घंटा 21 घंटा सोता ही है, उसको और तो कोई काम होता नहीं है। तो जो स्लीप थ्योरी की चीज़ें हैं ये 7 से 70 साल इसके बीच में लागू है, बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी लागू नहीं है, और फिर बहुत एज में हो जाते हैं तब भी वो लागू नहीं है, उनकी भी स्लीप जो स्ट्रक्चर है स्लीप थ्योरी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोग जितना भी टाइम हम सोते हैं तो उसमें से 3/4 पोर्शन नॉन रेम स्लीप में होता है और 1/4 पोर्शन रेम स्लीप है। रेम स्लीप वो ग्रीन वाला पोर्शन है, रेम एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट। इस समय आपकी आंखों की पलकें कड़कड़ कड़कड़ कड़ हिलती है, जैसे कि आप, मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ तो मैं आंखें इधर उधर हिला रहा हूँ ना, तो नींद में मैं सपना देख रहा हूँ तो इनवॉलेंट्रीली जैसे कि पलकें इधर उधर हो रही है तो कड़कड़कड़ पलकें हिलती है, तो उसको हम लोग रैपिड आई मूवमेंट होते हैं। तो 1/4 पोर्शन आप रेम स्लीप में हो, 3/4 पोर्शन आप नॉन रेम में हो। और इसमें भी मैंने बोला ना स्टेज 4 डेल्टा फ्रिक्वेंसी, ये है जो पूरे नींद का पर्पस है, जिसमें आप रिचार्ज हो रहे हो, जिसके कारण आप अगले दिन के लिए, पूरे दिन के लिए आप में शक्ति है कार्य करने के लिए। जब, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, उसको भी हम पावर नैप बोलते हैं, उसके ऊपर भी कुछ था लेकिन मैंने इसमें से अभी निकाला है, लेकिन ये कई हम लोग सबका अनुभव है। कभी कभी आप लोग दोपहर में देखेंगे ना 10-15 मिनट आप सोए और फिर उठे तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं, जैसे एकदम 10-15 मिनट में आप एकदम रिचार्ज हो गए, है ना, पूरा सोए एकदम गहरी नींद में जैसे सोए। तो वो उसको हम लोग क्या होता है, जब ब्रेन कंटिन्यूसली वर्क करती है तो उसका एक पोटेशियम और सोडियम का कुछ रेशियो होता है, जो रेशियो बिगड़ जाता है, तो ये एक है जो स्लीप बोल रहे हैं ना आप, इसको हम पावर नैप बोलते हैं। थोड़ी देर में हम डायरेक्ट थीटा में चले जाते हैं, वो जो बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा, उसमें डेल्टा नहीं जाते लेकिन स्ट्रेट अवे थीटा चले जाते हैं, लेकिन वो 10-15 मिनट, और वो 10-15 मिनट में एकदम गहरी नींद में फिर आप उठेंगे तो एकदम आपको फ्रेश होगा, तो वो जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, वो वापस वो रेशियो ठीक हो जाता है, इसलिए आप थोड़ी सी देर में बहुत रिफ्रेश हो जाएंगे, उसको पावर नैप बोलते हैं। हम लोग सब ने किसी ना किसी टाइम पर उसको एक्सपीरियंस किया है। तो जब हम सोते हैं, मैंने कहा हमारे बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें भी होती है, आपका हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, सांस लेने का रेस्पिरेशन रेट कम होगा, ये सब चीज़ें। एक समय और भी होता है जब व्यक्ति रिलैक्स हो, व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है, उसके उसमें भी अगर आप मेजर करेंगे ना, तो ये जो मार्क डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट, रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो EEG पैटर्न है, मैंने बोला ना नींद में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि माइंड की फ्रीक्वेंसी कैसे स्लो हो रही है, और वैसे ही व्यक्ति जब रिलैक्स्ड है या मेडिटेशन कर रहा है तो उसकी माइंड की फ्रीक्वेंसी स्लो होती है। तो ये स्लीप और मेडिटेशन में कनेक्शन है, दोनों ही स्लो वेव पैटर्न जनरेट करते हैं और दोनों को मेजर किया जा सकता है। हमारे यहाँ भी लोग मेडिटेशन करते हैं, आप वो इक्विपमेंट से मेजर करोगे, आप देखोगे कि उनकी फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाती है। और सबसे बड़ी विशेषता है मेडिटेशन की, राजयोग का मेडिटेशन जो सिखाते हैं, व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर जानता है ना, जो फर्स्ट लेवल है बीटा से अल्फा, एक लेवल आने में तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, यहाँ तक कि अगर एक बहन यहाँ कमेंट्री से मेडिटेशन करा रही है, आप बस उन विचारों को भी रिपीट कर रहे हो माइंड में, आपका माइंड वो एक लेवल नीचे आ जाएगा। तो स्लीप में भी आप स्लो वेव पैटर्न जनरेट कर रहे हो और उससे आप रिफ्रेश हो रहे हो, मेडिटेशन में भी आप वो कर रहे हो। मेडिटेशन का फायदा है कि वो आपके कंट्रोल में है, आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। तो जब आपको मेडिटेशन यहाँ सिखाया है तो आपको कमेंट्री में भी बताया होगा कि सबसे पहले हम अपने आप को बॉडी से डिटैच करते हैं, सोल कॉन्शियस बनते हैं और अपने आप को, मैंने जब स्लीप के बारे में बताया ना, तीसरा एक चीज़ बताया कि कुछ समय के लिए हम इन कर्मेंद्रियों से डिटैच होते हैं, इसलिए स्लीप में हम लोग रिफ्रेश होते हैं। मेडिटेशन भी वही प्रिंसिपल में वर्क करता है, हम बॉडी से और अपने रोल से थोड़ी देर के लिए डिटैच होते हैं जिससे कि हम रिचार्ज होते हैं, है ना। तो मेडिटेशन एक बहुत प्रूवन टेक्निक है जो मेजरेबल है, आगे मैं उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगा। और मैंने कहा ये जो फर्स्ट लेवल है अल्फा, ये कोई भी बहुत मिनिमल नॉलेज और थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी अल्फा फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है, और बस इतना करने से भी, थोड़ा सा दिन में अगर ये प्रैक्टिस करे 10-15 मिनट तो भी आपको ये सब फायदे इमीडिएटली होते हैं। और आजकल दुनिया में बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स है,
इम्यूनिटी पावर, क्रिएटिविटी, एनर्जी कंजर्व करना, स्ट्रेस को इरेडिकेट करना, ये बहुत ईजीली, एक लेवल नीचे आना बहुत ईजी है। तो बहुत सारे आजकल मेडिटेशन टेक्निक्स है, अल्फा मेडिटेशन, थीटा मेडिटेशन, मतलब माइंड को आप उस स्टेट में पहुँचाए। बट राजयोगा मेडिटेशन की विशेषता है कि डेल्टा फ्रीक्वेंसी तक आप जा सकते हो, और डेल्टा फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसमें माइंड को आप रीप्रोग्राम कर सकते हो, यानी आपके जो संस्कार है या हैबिट्स है उसको चेंज करना, सबकॉन्शियस लेवल पे आप डेल्टा फ्रीक्वेंसी में जाके आप उसको चेंज कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताऊंगा, जैसे ये एक एरो है, इस एरो पे मैंने कोई प्रोसेस किया और ये एरो बदल गई, बदलने के बाद ये एरो ऐसे दिख रही है, ये दूसरी एरो पहली एरो से बड़ी है, छोटी है या सेम है? छोटी है, बड़ी है, चौड़ी है? चौड़ी का क्वेश्चन ही नहीं था, छोटी है बड़ी सेम है। मैंने ये बनाया है और लेंथ में, क्वेश्चन लेंथ का ही है कि लेंथ में छोटी है या बड़ी है, लेंथ में सेकंड एरो फर्स्ट एरो से बड़ी है, ये मैंने बनाया है। लेकिन मैंने अगर बोला कि इस प्रोसेस से ये लाइन बड़ी हो गई, तो आपको भी सोचेंगे पता नहीं बोल तो रहा है लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा। कई बार एप्रिशिएशन करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत मार्जिनल इफेक्ट है, बहुत थोड़ा सा इफेक्ट। तो मैंने अगर बोला मेडिटेशन से मुझे शांति का अनुभव हुआ, तो बोला पता नहीं हुई होगी नहीं हुई होगी, वहाँ बैठे थे शायद वो सर्कमस्टांसिस के कारण हो गया होगा, थोड़ा कभी कभी मेजरेबल नहीं होता तो वो प्रोसेस में डाउट होता है, मेडिटेशन से शांति मिलती है नहीं मिलती उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, है ना। यही चीज़ को मैंने वापस किया, ये लाइन है इसके ऊपर प्रोसेस किया और लाइन बदल गई, और मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि सेकेंड लाइन पहली लाइन से लंबी है, छोटी है, सेम है, क्या बोलोगे? क्योंकि ये एग्जाम्पल एकदम क्लियरली है, जब रिजल्ट आपको एकदम क्लियर दिखाया तो आपको प्रोसेस में डाउट नहीं है। पहली बार भी मैंने कहा प्रोसेस लाइन को बड़ी कर रहा, सेकंड टाइम भी कहा प्रोसेस लाइन को बड़ा कर रहा, फर्स्ट टाइम के प्रोसेस में आपको डाउट रहेगा पता नहीं हो रहा है या नहीं, सेकंड टाइम में कोई डाउट नहीं। ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया क्योंकि आप लोग ने जो इनॉग्रल वीडियो में भी देखा था, तो ये 1978 में साइंटिस्ट एट द मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास USA examined the brain wave pattern of दादी जानकी, 1978 की बात है। तो जब वो उनका EEG लिया, अभी हमारा EEG मेजर करेंगे तो क्या फ्रीक्वेंसी आएगी? बीटा 13 से 30 हर्ट्स। और इनका जब मेजर किया और जब इनको सिंपल चीज़ें बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ मैथमेटिकल उनको सॉल्व करने के लिए बोला, कंटिन्यूस ये डेल्टा फ्रीक्वेंसी एग्जिबिट कर रही थी, जो हम लोग नींद में, गहरी नींद में थोड़ा टाइम के लिए एग्जिबिट करते हैं, और ये चलते फिरते डेल्टा फ्रीक्वेंसी एग्जिबिट। तो सब लोगों ने पूछा कि ये आप कैसे कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं राजयोगा मेडिटेशन के प्रोसेस द्वारा अपने माइंड को इतना शांत कर सकती हूँ। तो उसके बाद इनको टाइटल मिला द मोस्ट स्टेबल माइंड ऑन अर्थ, डेल्टा वूमन, 1978 की बात है। आज दादी जानकी 101 क्रॉस कर गई, फिर भी इतनी बड़ी संस्था को चला रही है, आज भी कई जगह जाती है, देश विदेश में सेवा करने जा रही है। देखो माइंड को कितना पावरफुल बना दिया उसका इफेक्ट, और फिजिकली कई उनके हेल्थ इश्यूज़ आए लेकिन सब चीज़ को वो ओवरकम कर दी। तो दादी जानकी ने क्या बोला, राजयोगा मेडिटेशन से मैं अपने मन को शांत कर सकती हूँ, रिजल्ट हमने देखा। अब प्रोसेस में डाउट कर सकते हैं, बड़ी लाइन मैंने क्यों दिखाई कि प्रोसेस अगर कह रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति का बोला है जो डिफरेंस थोड़ा है तो कोई बोल सकता है पता नहीं ये इसके कारण है उसके कारण। तो दादी जानकी बोलती है मैं मेडिटेशन से मैंने अपने माइंड को शांत किया, तो हमें मानना ही पड़ेगा कि मेडिटेशन से ही होता है। अब होता है कि इस प्रोसेस को मैं कितना यूज़ करता हूँ, हर एक तो उतना यूज़ नहीं कर सकता जैसे वो कर रहे हैं, और जितना उन्होंने, योग की स्टेज भी सबकी अपनी अपनी होती है, योग की अंडरस्टैंडिंग, योग की प्रैक्टिस, योग की गहराई, तो वो तो दादी जानकी जो करती है वो तो अपने आप में एग्जाम्पल है, तभी तो उनको मोस्ट स्टेबल माइंड दिया। मतलब प्रोसेस में वहाँ तक पहुँच सकते हैं, प्रोसेस को मैं कितना यूज़ करता हूँ और बेनिफिट करता हूँ ये मेरे हाथ में, प्रोसेस करेक्ट है, प्रोसेस के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। तो जब हम पूरा चीज़ स्लीप के ऊपर कर रहे हैं, तो नेचुरली मैंने कहा हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है क्वांटिटी का, हमको आइडिया होता है कि भाई इतना मिला तो भी बहुत है, लेकिन वो जब मैं 5 घंटा बोलता हूँ तो मतलब 5 घंटा अच्छी नींद है ना, ऐसा नहीं कि वो
जनरल डब्बे की 5 घंटे की नींद नहीं, उसमें तो 15 घंटे भी आप सोलो कुछ नहीं होने वाला। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए स्लीप हाइजीन मतलब क्या हम कर सकते हैं, जो प्रैक्टिसेस है जिससे कि हम अपनी रात में क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ाएं, जैसे कि अगले दिन पूरा दिन हम अलर्ट होके तरोताज़ा होके फुल कॉन्सेंट्रेशन से काम कर सकें। व्यक्ति अगर फुल्ली नाइट को पूरा स्लीप नहीं हुआ या जो भी है था, डीप स्लीप नहीं मिला, अच्छी नींद नहीं मिली, तो क्या इफेक्ट होता है अगले दिन, उसका क्या इफेक्ट होता है अगले दिन, व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, तो शॉर्ट टेम्पर्ड रहेगा, छोटी सी बात में कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, क्योंकि रात को उसको रेस्ट नहीं मिला पूरा। तो कई चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, कुछ चीज़ें इसमें से करते हैं, कुछ चीज़ें इसमें से नहीं करते। आइडियली तो अगर आप कोई एक टाइम पे सोते, सोने का फिक्स टाइम हो और उठो, तो वो आइडियल कंडीशन है। हमारे लिए हर टाइम हो नहीं सकता, बट अगर आइडियली कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम एम करें उस तरफ। अवॉइड अल्कोहल स्पाइसी फूड कंजप्शन 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम। मैं तो कहा ना, खाने और सोने में थोड़ा गैप होना चाहिए जिससे कि बॉडी डाइजेस्ट कर सके। अब फौज में बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला, नींद नहीं आ रही तो क्या करना है, 2 पैक पीने से बड़ी अच्छी नींद आती। करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट समझते हैं बट करेक्ट है नहीं, है रॉन्ग। क्योंकि क्या होता है, अल्कोहल को बाद में ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को ओवर टाइम वर्क करना पड़ता, तो इनिशियल में वो डेफिनेटली तो आपको स्लीप की तरफ इंड्यूस करेगी, लेकिन बाद में वो स्लीप के जो आर्किटेक्चर है उसको डिस्टर्ब करती है, और वो आपकी स्लीप के आर्किटेक्चर डिस्टर्ब करेगी तो जो भी स्लीप का बेनिफिट है वो आपको मिलेगा नहीं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका बहुत ही इफेक्ट रहेगा। नहीं, मैंने कहा ना, जब व्यक्ति खाना खाता है उसके बाद खाने को पचाने के लिए बॉडी को काम करना पड़ता, और अच्छी नींद के लिए जितना हो सके माइंड भी रिलैक्स हो और बॉडी भी रिलैक्स हो। अब मैंने बहुत सारा मसाला ये वो खा लिया, अब मैं सोया हूँ, बॉडी में भी सब चीज़ें काम कर रही ना उसको डाइजेस्ट करने के लिए, बॉडी कंफर्टेबल नहीं है तो आपको नींद नहीं आई। नहीं, वो आप जो बोल रहे हो ना, जैसे लंच में किसी ने हैवी लंच किया तो वो खून चाहिए होता है, एक्स्ट्रा खून चाहिए होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो हमको स्लीप इंड्यूस करता। जब हम स्लीप बोलते हैं ना, बहुत बार हम लोग, जैसे अल्कोहल का एग्जांपल है, कई लोग है ऐसे, उनके माइंड में ये बैठा है और उनको उस तरह से लगता भी है कि हमने अल्कोहल लिया तो उसके बाद हमको अच्छी नींद आती है और हमको रोज़ हमारा यही पैटर्न है। एक होता है स्लीप और एक होता है डीप स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप में फ़र्क रहेगा, और वो क्वालिटी ऑफ स्लीप डिटरमाइन करती है कि आप उस तरह की हैबिट हर समय रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए रात को आपने जल्दी खाया और उस सफिशिएंट टाइम है डाइजेशन का, तो आपको गहरी नींद आने की चांसेस, नहीं तो आपको वो गहरी नींद नहीं आएगी। कंफर्टेबल टेम्परेचर जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं हमारा सर्कमस्टेंसेस सब अच्छा हो, लाइट साउंड सब, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, और जो मैंने कहा ना, आजकल हमारे लाइफस्टाइल जिस तरह से बन गया है, पूरे दिन काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रात को आते हैं, सब छोटा मोटा चीज़ किया, और फिर हम लोग को लगता है कि अभी हमारे पास टाइम है तो टीवी देखेंगे, कोई फिल्म देखेंगे और फिर सोएंगे। अब हम सो रहे हैं माइंड को रेस्ट देने के लिए। अब टीवी में कोई बोलते हैं हम तो बस न्यूज़ देखते हैं, बट न्यूज़ भी क्या होता है आजकल, न्यूज़ चैनल का तो फॉर्मूला ही होता है, जितना नेगेटिव न्यूज़ हो उतना वो बड़ा न्यूज़ हो, उतनी उसकी TRP ज़्यादा है, उतना ये है वो। तो मैं सोने से पहले देखो किसको माइंड को रेस्ट देना है, कोई मशीन को आपको ऑफ करने से पहले आपने पूरा एक्सीलेटर दे दिया और फिर आप स्विच ऑफ करोगे तो उसको कितना टाइम लगेगा धीरे 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 रुकने में। तो माइंड को रेस्ट देने, माइंड को रिचार्ज करना है स्लीप में। सोने से पहले मैंने माइंड को और भी एजिटेट करके फिर मैं लेटा, बहुत टाइम लगेगा पहले उसको न्यूट्रल स्टेट में आने के लिए, उसके बाद वो रिचार्ज होने। तो ये हमारी लाइफस्टाइल बन गई है, हम रियलाइज नहीं करते, बट धीरे धीरे ये हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको इफेक्ट करता, क्योंकि बहुत टाइम लगता है फिर हमको सोने में, और टाइम तो उतना ही होता, तो उतने टाइम में फिर आपको वो क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं मिल पाती। तो ये भी हम लोगों ने एक अपने एक ना नियम बना, एक मतलब हैबिट बना दिया, क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना स्लीप का इंपॉर्टेंस नहीं है, एक दिन में कुछ होता नहीं है तो हम लोग को भी लगता क्या हो गया, बट हर दिन हम लोग अगर इस तरह की हैबिट बना दे तो हमारे लिए प्रॉब्लम। तो हम उसके लिए दूसरी चीज़ कहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल टिप्स कहते हैं, मैंने बोला ना पूरा पर्पस है माइंड को रिलैक्स करके फिर रिचार्ज करना।
सोने से पहले कुछ समय अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप माइंड को ऑटोमेटिकली एक लोअर फ्रिक्वेंसी पे ला रहे हो। कई लोग बोलते हैं हमको मेडिटेशन नहीं आता, तो उसका नेक्स्ट तरीका है कि आप कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ो। अच्छी चीज़ें पढ़ोगे तो अपने आप माइंड रेस्ट में आएगा, स्लो होगा। पॉजिटिव कनेक्शन सीधा, पॉजिटिव है माइंड स्लो होगा, नेगेटिव है माइंड फास्ट होगा, स्पीड बढ़ेगी। और लास्ट है, सब लोग जनरली पूरे दिन की चिंताएं और ये सब लेकर सोते हैं, तो इसलिए हम लोग आध्यात्मिकता में ये सिखाते हैं कि सब चीज़ को, पूरे चीज़ को परमात्मा को सौंप कर फिर सो, खाली होके हल्के होके सो, तो एक अच्छी गहरी नींद आएगी। जितना आप रिलैक्स होंगे उतना चांसेस है कि आप गहरी रेस्टफुल नींद में सो सकेंगे। सोने से पहले द मोर रिलैक्स यू आर एस यू गेट रेडी फॉर बेड, द बेटर योर चांसेस ऑफ फॉलिंग इनटू अ डीप रेस्टफुल स्लीप साइकिल। एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसके ऊपर बूंद बूंद पानी गिर रहा है, कोई फर्क पड़ेगा? रॉक के ऊपर बूंद पानी गिरने से कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, ऐसे कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन गिरते 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 बड़े बड़े पत्थर भी फिर वो टुकड़ा हो जाता है। तो स्लीप का भी ऐसा ही है, हर दिन की हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हर दिन हमारी उसकी अगर कमी है, एक दिन दो दिन एक महीना दो महीना में नहीं पता चलेगा आपको। इसलिए हम लोग की, मैंने कहा ना, कई हमारी जो लाइफ स्टाइल, अभी टीवी का जो एग्जाम्पल दिया, 25-30 साल पहले कितने चैनल होते थे हमारे, एक दूरदर्शन होता था, आज कितने चैनल है, कितने चैनल है, गिनती करना ही मुश्किल। मीडिया है, इंटरनेट है, मोबाइल है, माइंड को बिजी करना, एंगेज करने के लिए आज बहुत चीज़ें नेचुरल हमारे लाइफ में घुस गए, और वो हमारे माइंड को वीक कर रही है, माइंड को डिस्टर्ब कर रही है। तो ये हमारे इतना पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया, इसलिए हमको पता भी नहीं चल रहा कि कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि जैसे सब कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, बट ये लाइफस्टाइल ही ऐसे बन गया जिसके कारण हमारा नुकसान हो रहा। एक दिन दो दिन में नहीं होगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्युमुलेट होता है, और सडनली एक बहुत बड़ी कोई ना कोई बीमारी में, कोई हेल्थ इशू में वो एग्जिबिट होता है। तो समरी में, अगर कोई कारण से हमें पार्ट्स में सोना पड़े तो भी ठीक है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो सारी दुनिया सोचती है 6 से 8 घंटा, वो हमारी एक मान्यता है। 5 घंटा भी अगर हमें अच्छी नींद मिलती है तो 24 घंटे के लिए काफ़ी है। हमारे हाथ में अधिकतर समय क्वांटिटी नहीं होती, क्वालिटी होती है, और हम क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मेडिटेशन से हम स्लीप के जो बेनिफिट्स है उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, क्या क्वेश्चन रहा था, हाथी और जिराफ क्यों इतना कम सो रहा है? तो अभी क्या लगता है, इतना कम क्यों सो रहा है? हाँ, कितना, इतना कम क्यों सो रहा है? क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा है। देखो, अगर आपका मोबाइल है, पूरे दिन में आपने मोबाइल को कम यूज किया है ना, तो रात को उसको आपको रिचार्ज करने के लिए कितना टाइम चाहिए? कम टाइम चाहिए। हम लोगों की जो मेंटल एनर्जी है, मैंने बोला ना, फ्रीक्वेंसी, माइंड की फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। माइंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती कब है? जब आप स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस में होंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड बहुत तेज चलेगा, आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो व्यक्ति स्ट्रेसफुल है तो बहुत जल्दी थकेगा, तो उतना ही उसको ज़्यादा टाइम चाहिए रिचार्ज होने में। जानवरों में स्ट्रेस का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है खाना। या तो उसको अपने खाने की फिक्र है, या कोई मुझे खाना ना बना दे उसकी फिक्र। अभी शेर जंगल का राजा है, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं, कोई उसको खाना बनाने वाला नहीं है, लेकिन उसको अपने खाने के लिए क्या करना पड़ता? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल देखते हैं ना, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लानेट, एक के पीछे भागा नहीं मिला, दूसरे के पीछे भागा, तीसरे के पीछे, फिर एक कोई बच्चा मिल गया उसको पकड़ लिया। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिर नॉन वेजिटेरियन फूड है तो उसको डाइजेशन में भी ज़्यादा मेहनत है, उसकी बॉडी को भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए वो खूब सोता है। हाथी या जिराफ सबसे बड़े जानवर हैं, तो उनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, उसको उसका कोई स्ट्रेस नहीं होता। उसका अपने खाने के लिए, क्योंकि वो घास फूस खा रहा है प्रकृति में बहुत है, तो उसको उसका भी स्ट्रेस नहीं, और वेजिटेरियन फूड है तो डाइजेशन भी आराम से हो रहा है, तो उसको ना खाने के लिए, अपने खाने के लिए कोई स्ट्रेस है, ना कोई उसको खाना बनाने वाला उसके स्ट्रेस है। तो जब उसको स्ट्रेस कम है तो जैसे कि वो अपनी एनर्जी कम यूज़ कर रहा, तो उसको रिचार्ज करने में कितना टाइम चाहिए?
इसीलिए जिराफ हाथी 2 या 3 घंटा भी सोता है वो पूरा 24 घंटे के लिए, फिजिकली इतना बड़ा जानवर है। एक बहुत अच्छा कनेक्शन है कि हम लोग जब स्लीप से रिलेट करते हैं तो बॉडी से फिजिकल से रिलेट करते हैं। स्लीप का एक्चुअल पर्पस माइंड से है, मेंटल एनर्जी से। माइंड को जितना आपने थकाया उतना आपको रिचार्ज करने में भी टाइम कम। तो कई लोग बोलते हैं हमको नींद कम करनी है, तो उसका तरीका क्या है, जितना आप कम स्ट्रेस में रहो, जितना आप पॉजिटिव रहो, जितना आप खुश रहो, ऑटोमेटिकली आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक दो क्वेश्चन हम लेंगे क्योंकि उसके बाद आपका अगला सेशन भी है और हमारा भी दूसरा, फिर दूसरे प्रोग्राम में भी कुछ। एक मिनट पहले आप बताएं। प्रेजेंटेशन हमको देने में कोई नहीं, आपके पास कोई पेन ड्राइव है आप ले सकते हो। अच्छा, उसके लिए आपके लिए कर रहे हैं, आपके जो कोऑर्डिनेटर करेंगे। हाँ बताइए आप। टायर्ड हो जाते, फिजिकल टायर्डनेस, मेंटल टायर्डनेस, लेकिन ज़्यादा मेंटल टायर्डनेस के कारण। हाँ, टायर्ड ही क्यों होते हैं? आप मोबाइल यूज़ करेंगे तो बैटरी तो डिस्चार्ज होगी, ऐसा हो सकता है कि मोबाइल यूज़ करो बैटरी नहीं डिस्चार्ज हो? हाँ नहीं, आप देखो ये क्वेश्चन कि हम टायर्ड ही क्यों होते हैं, उसका आंसर तो बहुत सिंपल है। जहाँ हमने आत्मा ने आध्यात्मिकता में जब जब आत्मा कर्म इंद्रियों के साथ कर्म करती है तो वो अपनी शक्ति को यूज़ करती है और उसकी शक्ति संकल्प लेवल पे, माइंड लेवल पे है। तो उसको रिचार्ज करने के लिए वो डीप स्लीप में डेल्टा वेव्स में वो अपने आप को रिचार्ज करती है। अगर वो कर्म इंद्रियों के साथ कर्म कर रही है तो उसकी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो एकदम सिंपल है, मोबाइल है और आप उसको यूज़ कर रहे हो, यहाँ तक कि आपने उसको यूज़ भी नहीं किया ऐसे भी रखा तो भी वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, बस रेट फर्क पड़ता है। बहुत आपने एप्लीकेशन डाले तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगा, कम है तो धीरे डिस्चार्ज होगा, बट एनर्जी तो यूज होगी, तो थकावट तो होगी। हाँ जी बताए। हाँ, दैट इंड्यूसेस योर स्लीप, वो स्लीप की तरफ आपको ले जाता है। दूध से कर, मैंने एक्चुअली वो स्लाइड नहीं दिखाई, गर्म दूध में भी उस तरह का एक चीज होता है जो कि वो केमिकल का तो नाम नहीं मालूम बट वो भी स्लीप को इंड्यूस करता है। इसीलिए बोलते हैं सोने के पहले वार्म मिल्क भी पियेंगे तो वो आपको बेनिफिट करता, स्लीप के लिए बेनिफिट करता। वो आप बॉडी के लिए बोल रहे हो ना, फिजिकल बॉडी के लिए भी बोल रहे हो। हाँ जी आप बताए। हाँ, नहीं वो तो देखो स्लीप का कोई व्यक्ति उसमें अगर गहरी नींद में होगा ना, डेल्टा में होगा जब एकदम गहरी, अब हम लोग को भी अनुभव है, कभी कभी कोई उठाता है थोड़ा सा हल्का करता हम उठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थे। कभी कभी उठाते हैं तो ऐसे सर चक्कर रहा था तो पता नहीं कहाँ है क्या है, थोड़ा देर तो यही देख रहे होते हैं, फिर किसको गाली दें भाई किसने उठा दिया क्या, चारों तरफ देखते हैं क्योंकि उस समय आप गहरी नींद में हो। तो अगर मैं, कई लोगों का होता है वो गहरी नींद में जा ही नहीं पाते, तो वो हल्की नींद में रहते हैं तो वो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा उठ जाएंगे। हाँ तो वो भी गलत चीज़ है, कोई बॉडी को सफिशिएंट चीज़ नहीं मिल। हाँ जी बोल। हाँ नहीं वो डिस्टर्ब्ड स्लीप, वो उसमें व्यक्ति ना जैसे कि सो रहा है इधर से उधर करवट बदल रहा है, नींद नहीं आ रही उसको, बट क्योंकि उस समय वो मेंटली वो फिट नहीं है कि कुछ करे तो उसको यही लगता है कि बस मैं सो जाऊँ, बाकी उसको स्लीप का जो बेनिफिट है डीप स्लीप है नहीं, माइंड उसका रिचार्ज नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाँ जी, खराटे फिजिकल एक डिस्कम्फर्ट है, वो फिजिकल है और मेंटल अलग होता है। खराटे तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल लेवल पे एक डिसेबिलिटी बोलेंगे, तो वो उसका मैं माइंड का स्टेट उसका अलग चल रहा है और बॉडी का वो अलग है, तो उसका मैं ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि इस स्टेज में ऐसा हो रहा है ना। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर ख़त्म करें। पावर नैप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैसे जो स्लीप थ्योरी बोलती है, जो कन्वेंशनल जो व्यक्ति अगर समझो रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे सोता है या जो भी उसका टाइम है, उसके एकदम बीच में हाफ वे वहाँ से 12 घंटा ऐड करो
और उस समय दोपहर में भी जो भी टाइम होता है 2 बजे 2:30 बजे उस समय 20 मिनट आप इस तरह का 15 से 20 मिनट अगर आप रेस्ट करते हो हाँ पावर नैप की तरह तो वो बहुत बेनिफिशियल है। नहीं वो नहीं नहीं पावर नैप ओवर एंड अबव एडिशनल है वो उसको स्लीप साइकिल से क्योंकि स्लीप साइकिल तो पूरी 100 मिनट की होती है ना। पावर नैप आपको एक उसको बस स्ट्रेंथन करने के लिए और उसका जनरली फार्मूला वैसा वो लोग बताते हैं रफली उस टाइम पर अगर कोई 15-20 मिनट भी रेस्ट कर लेता तो उसको बहुत बेनिफिट मिलता। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ओम शांति।